मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले के कराहल में आयोजित तेंदू पत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में तेंदू पत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ की बोनस राशि वितरित करने के साथ ही 38 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी है। मध्य प्रदेश में संभागवार रीजनल इंडस्ट्री समिट का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री समिट आयोजित की जाएगी। इसमें मुरैना, श्योपुर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर सहित पूरे संभाग में निवेश के नए कार्य प्रारंभ होंगे, जिससे रोजगार के अनेकों अवसर पैदा होंगे। यहाँ इसी स्थान पर 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 की रुपये प्रति की दर से बोनस दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो। अकेले ग्वालियर सर्किट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का बोनस बांटा जा रहा है और जिला यूनियन श्योपुर की ओछापुर समिति में सबसे ज्यादा 57,23,000 रुपए का बोनस आपके यहाँ बांटा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ओछा समिति के लिए। शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल में 5,56,00,000 रुपए के शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल की यूनियन के अशोकनगर की फतेहाबाद में 31 लाख रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया तेंदुपत्ता संग्रहण में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग लगे हैं। जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बरेड़ा, ये कई सारे लघु वन उपज से उनका जीवन चलता है। ऐसे में केवल याद दिलाना चाहूंगा 2007 तक 450 रुपया बोरा प्रति मानक मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 2024 में 4,000 रुपया प्रति बोरा का अमाउंट डिसाइड किया है। 4,000 रुपया बोरा, कहां 400 रुपया था, कहां हमने 4,000 किया है। और हमने शुद्ध लाभ का भी 50% से बढ़ाकर लगभग 75% किया है और 10 साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा बोनस हमारी सरकार ने दिया है। अभिनंदन करें। जोरदार ताली।